नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार। आज के द इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल को देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, डिफेंस रूट टू हाईटेक मैन्युफैक्चर, यानी कि जो रक्षा का जो रास्ता है वो अपनाया गया है उच्च तकनीकी के उत्पादन में। देखिए आगे कहा क्या जा रहा है इसमें, द इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू लीवरेज ग्लोबल एक्सपर्टाइज टू बूस्ट इनोवेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूरत है, ठीक है, कि वो फायदा उठाए वैश्विक जो एक्सपर्टाइज है, निपुणता है, कि जिससे कि वो अपनी नई खोज को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, यानी कि पूरे विश्व में जो विशेषज्ञता है, ठीक है, उसका फायदा उठा के भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं, ठीक है, बूस्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए नई खोज को, अनोखेपन को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस नेशनली एंड द इंडियन एयरफोर्स नीड्स ए न्यू क्रॉप ऑफ मीडियम रेंज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA। तो कहा यह जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस नेशनली, ठीक है, कि वो नई खोज और जो उत्पादन है और जो सेवा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर ही क्या करे, बढ़ावा दे सके। एंड द इंडियन एयरफोर्स नीड्स ए न्यू क्रॉप ऑफ मीडियम रेंज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और भारतीय जो वायुसेना है उसको जरूरत है एक नए क्रॉप, कहने का मतलब यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि इकट्ठा या समूह से, ठीक है, एक जखीरे से कह सकते हो, एक नए जखीरे की जरूरत है मध्यम दूरी के, ठीक है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट का मतलब लड़ाकू होते हैं, एयरक्राफ्ट का मतलब विमान से होता है, तो मध्यम दूरी के, ठीक है, बहुत सारे जो भूमिकाओं को अदा करने वाला जो, ठीक है, लड़ाकू विमान है MMRCA का, ठीक है, उसकी जरूरत है। द प्रपोज टाटा लॉकहीड मार्टिन ज्वाइंट वेंचर टू मेक इन इंडिया F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट, जो प्रस्तावित टाटा लॉकहीड मार्टिन का संयुक्त उपक्रम है जिससे कि भारत में F-16 ब्लॉक 17 एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज बनाए जा सके, शुड न्यू दिल्ली ऑप्ट फॉर द अमेरिकन प्लेन्स इन इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ द सिंगल इंजन फाइटर वुड बी वेलकम मूव। ठीक है, शुड नेचुरली ऑप्ट फॉर द अमेरिकन प्लेन, ठीक है, जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली कहने का मतलब भारत से है यहाँ पर, शुड न्यू दिल्ली ऑप्ट फॉर द अमेरिकन प्लेन, कि जो भारत है उसको चुनना चाहिए, ठीक है, अमेरिकी विमान का इन इट्स प्रोक्योरमेंट, अपने खरीद में, ठीक है, ऑफ ए सिंगल इंजन फाइटर, ठीक है, एक इंजन वाले जो लड़ाकू विमान है, वुड बी वेलकम मूव, ये क्या है कि एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि जो प्रस्तावित टाटा लॉकहीड मार्टिन का जो संयुक्त उपक्रम है कि भारत में F-16 ब्लॉक 17 का एयरक्राफ्ट बना जाए और भारत के द्वारा ये चुना जाना कि अमेरिका से वो खरीदे, ठीक है, सिंगल इंजन वाले लड़ाकू विमानों को, ये अपने आप में क्या है, एक स्वागत योग्य कदम है। कहा जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द असॉर्टेड कंट्री स्पेसिफिक सब सिस्टम द F-16 हैज एक्वायर्ड ओवर द इयर्स ऑफ इट्स ज्वाइंट प्रोडक्शन विद असॉर्टेड नेटो मेंबर्स एंड एलाइज। सबसे पहले यहाँ पर नेटो मेंबर्स समझें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, ठीक है, नॉर्थ अटलांट यानी कि उत्तर अटलांटिक महासागर के आसपास के जो देश हैं उनका एक संगठन है और उनके जो सहयोगी हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए कहा किया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द असॉर्टेड कंट्री स्पेसिफिक सब सिस्टम, कि निर्भर करता है कि किस तरह से पृथक किया हुआ या अलग किया हुआ, ठीक है, जो कंट्री स्पेसिफिक सब सिस्टम है, किसी देश के लिए खास तौर से बनाया गया जो उपतंत्र है F-16 का, हैज एक्वायर्ड ओवर द ईयर्स, ठीक है, हैज एक्वायर्ड ओवर द ईयर्स ऑफ इट्स ज्वाइंट प्रोडक्शन, ठीक है, विद असॉर्टेड नाटो मेंबर्स एंड एलाइज। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी जो आप विशेषज्ञता कह सकते हैं वो सालों साल में बनी है, जब संयुक्त उत्पादन किया गया, ठीक है, जो चयनित नेटो के सदस्य हैं और उसके गठबंधन है।
It could give India both better fighting capability and a boost to our advanced manufacturing capability. तो ये भारत को दे सकता है और बेहतर लड़ने की क्षमता and a boost to advanced manufacturing capability और ठीक है प्रोत्साहित कर सकता है आधुनिक उत्पादन की क्षमता को. तो दोनों ही तरफ बात की जा रही है, एक तो उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाएगा और दूसरी तरफ लड़ने की क्षमता को भी ये बढ़ाएगा. Such a collaboration would have a spin-off galore leading to the creation of a wide network of suppliers of the new age ancillaries. Ancillaries का मतलब ये समझे कि जो सहायक होती है, ठीक है, जैसे यदि manufacturing के sector में ancillary unit कहा जाए तो जो main manufacturing करने वाले जो company है उसको सहायता देने वाली जो कंपनियां है वो ancillary unit कहलाती है. तो अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, such a collaboration would have a spin-off galore. तो कहा जाता है कि ऐसे ये जो गठबंधन किया जाएगा, तकनीकी जो गठबंधन किया जा रहा, हो सकता है कि वो अन्य उत्पाद करे वो भी काफी बहुत आयत में, और जिसके कारण से क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन सकता है किस चीज का, सप्लायर्स का, यानी कि जो आपूर्ति करता है ऑफ न्यू एज एंसिलरी, नए युग का जो ठीक है सहायक वस्तु है. तो कहा यह जा रहा है कि इस कोलैबोरेशन से ऐसा हो सकता है कि दूसरे अन्य उत्पादन भी किए जाए वो भी काफी प्रचुर मात्रा में, और जब उत्पादन अच्छी होगी और प्रचुर मात्रा में होगी तो इससे क्या हो सकता है कि जो आपूर्तिकर्ताओं का क्या बन सके, एक नेटवर्क बन सके. This could lead to export as well. और इसके कारण से ये भी हो सकता है कि भैया निर्यात हो, दो नॉट टू पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान को नहीं, whose F-16 are block 50, ठीक है, जिसका F-16 जो है वो block 50 का है, और भारत जो वो करेगी वो F-16 block 70 का करेगी. तो कहा जा रहा है कि ये निर्यात, इसके कारण से निर्यात हो सकता है कि पाकिस्तान को छोड़ के, जहाँ की स्पेसिफिकेशन जो है वो अलग है F-16 की, एंड हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ पार्ट्स एंड वेंडर्स, और अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, इसके हिस्से हो सकते हैं और बेचने वाले हो सकते हैं. लॉकहीड एंड टाटा ऑलरेडी हैव ए जॉइंट वेंचर इन हैदराबाद. तो लॉकहीड और टाटा का पहले से ही एक संयुक्त उपक्रम है हैदराबाद में, विच पार्ट मैन्युफैक्चरर्स द C-130J सुपर हरकुलस, जो कि एक आंशिक रूप से उत्पादन करता है C-130J के सुपर हरकुलस का. बिल्ड एज द मोस्ट एडवांस टेक्टिकल एयरलिफ्टर, जिसको वर्णित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, बताया जाता है, C-130J सुपर हरकुलस की बात की जा रही है, सबसे आधुनिक रणनीतिक रूप से एयरलिफ्टर का. एयरलिफ्टर ऐसे विमानों को कहते हैं जो कि बड़ी मात्रा में साजो सामान या फिर सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, ठीक है. फॉर कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड, उपभोक्ता पूरे विश्व के अंदर. तो कहा जा रहा है कि लॉकहीड और टाटा, जो कि हैदराबाद में पहले से ही संयुक्त उपक्रम के रूप में काम कर रही है, वो C-130J सुपर हरकुलस के कुछ हिस्सों का उत्पादन करती है, और सुपर हरकुलस की बात यदि कहा जाए तो उसको सबसे आधुनिक रणनीतिक एयरलिफ्टर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वर्णित किया जा रहा है पूरे विश्व में जो कस्टमर्स हैं या जो उपभोक्ता हैं. The fate of this proposed venture depends on the Indian Air Force final choice of MMRCA. तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम है, इसका जो भाग्य है वो इस चीज पे निर्भर करेगा कि भारतीय वायुसेना का अंतिम चॉइस, अंतिम जो वो अंतिम रूप से जो निर्णय लेंगे MMRCA के बारे में, उस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि भैया ये ज्वाइंट वेंचर जो प्रस्तावित है वो फलीभूत होगा या नहीं होगा. However, why the choice of the Indian partner for building a new generation fighter aircraft should vary depending on the foreign supplier of planes and associated technology? कहा जा रहा है फिर भी, why the choice of Indian partner, कि क्यों जो विकल्प है भारतीय सहयोगी का for building a new generation fighter aircraft, कि नए युग के लड़ाकू विमानों को क्या किया जाए, उत्पादित किया जाए, should vary depending on the foreign suppliers of plane, वो इस बात पर निर्भर करेगा, बदलता रहेगा कि जो विदेशी आपूर्ति करते हैं विमानों के और उससे संबंधित तकनीकी के. तो कहा यह जा रहा है कि जो
भारत में ने जो नए जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कहीं ना कहीं कि जो विदेशी आपूर्ति करता है, ठीक है, विमान के और उससे जुड़ी हुई तकनीकियों के ऊपर, इंस्टेड ऑफ बीइंग गाइडेड बाय एस्टैब्लिश्ड कैपेबिलिटी इन प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स इज अनक्लियर, इंस्टेड ऑफ बीइंग गाइडेड बाय एस्टैब्लिश्ड कैपेबिलिटी, बावजूद इसके कि वो कहीं ना कहीं निर्देशित किए जाएंगे, स्थापित जो क्षमता है उत्पादन की विमानों के हिस्सों की इज अनक्लियर, ये क्या है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि विमान के कलपुर्जों के उत्पादन की जो स्थापित क्षमता है वो कहीं ना कहीं निर्देशित होगी, ठीक है, इन चीजों पे ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं है। द चैलेंज फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर इन द मीडियम टर्म्स एंड बियॉन्ड इज टू पुट इन प्लेस एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन। तो जो चुनौती है भारतीय नीति निर्माताओं के लिए मध्यम समय के लिए, यानी कि 10 से 15 सालों के लिए एंड बियॉन्ड या उससे परे, इज टू पुट इन प्लेस एन इकोसिस्टम, कि वो स्थापित करे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, आसपास का वातावरण, जिससे कि इनोवेशन हो, ठीक है, आविष्कार किया जाए, एंड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन टू डिजाइन, और तकनीकी को अपनाया जाए जिससे कि डिजाइन किया जा सके, एंड मेक डिफेंस हार्डवेयर, और जो जो रक्षा से संबंधित जो हार्डवेयर है उसको बनाया जा सके। तो कहा यह जा रहा है कि भारत के नीति निर्माताओं के लिए मध्यम दूरी में यदि देखें तो एक चैलेंज ये है, ठीक है, ये चैलेंज ये है कि वो एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाए अनुसंधान के लिए और तकनीकी को अपनाने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो बना सके रक्षा हार्डवेयर। इंडिया हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर। अब देखो ड्यूबियस का मतलब संदेहास्पद, डिस्टिंक्शन जो चीज आपको अलग करता है, तो ये कहीं ना कहीं ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है, इसको नेगेटिव रूप में इस शब्द को देखते हैं, ठीक है, कि भाई मतलब आप एक अलग ही पहचान रखते हो, इस सेंस में बात की जा रही है। इंडिया हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर, भारत का जो एक अलग ही पहचान है कि वो दुनिया का सबसे सबसे बड़ा रक्षा का आयात करता है। प्रॉपर नर्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक कैपेबिलिटी कैन, कहा जा रहा है कि यदि सही ढंग से ध्यान रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, घरेलू क्षमता का, ठीक है, कैन सेव टेंस ऑफ बिलियंस इन इम्पोर्ट, वो आयात में, ठीक है, कहा जा रहा है कि दसियों हजार बिलियन क्या कर सकता है, बचा सकता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड वेल प्लेइंग लोकल जॉब्स, और इसके साथ ही जो स्थानीय लोगों को स्थानीय रोजगार भी दे सकता है, जिसमें कि अच्छी खासी क्या होगी, आमदनी होगी। द वे अहेड, आगे का रास्ता, राइटली सीधे तौर सही तौर से देखा जाए, इज टू इन्वाइट FDI फॉर डिफेंस हार्डवेयर, कि आमंत्रित किया जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, किसके अंदर, रक्षा हार्डवेयर के अंदर, ऑफरिंग हाई इक्विटी स्टेक इफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज ऑन ऑफर। तो और इसमें कहीं ना कहीं ये ऑफर किया जाए, ठीक है, ये प्रस्ताव रखा दिया जाए कि उनको ज्यादा, ठीक है, भागीदारी दी जाएगी अत्याधुनिक तकनीक की, यदि चीजें वो मैन्युफैक्चर करते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो इन चीजों में, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि यदि अत्याधुनिक तकनीक की कोई चीजें, लड़ाकू विमान या, ठीक है, जो उपकरण है वो बनाई जाती है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ऑफर दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि उनकी साझेदारी यानी विदेशी कंपनी की साझेदारी ज्यादा हो, ठीक है। मेयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वुड हार्डली डू, कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तकनीकी का स्थानांतरण जो है वो बहुत पर्याप्त नहीं होगा, बहुत पर्याप्त काम नहीं कर पाएगा। वी ऑल्सो नीड कैपेसिटी टू डिजाइन, हमें जरूरत है कि क्षमता बनाए जिससे कि डिजाइन कर सके, एंड बिल्ड स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट, और अत्याधुनिक अत्याधुनिक जो औजार या हथियार बना सके, एंड सिस्टम, और जो तंत्र हैं, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल एज फार एज द इकोनॉमिक टाइम्स इज कंसर्न। सो वी विल रिमेन इन कंटिन्यू एज यूजुअल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।